लकम टू पीके टूटोरियल्स सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कनेक्ट इसको हम कनेक्टिव भी कह सकते हैं सो लेट स्टार्ट सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कनेक्टिव जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू मेक कंपाउंड प्रोपोजिशंस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कंपाउंड प्रिपोजिशन तो कंपाउंड प्रिपोजिशन बनाने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत होती है ऑपरेटर क्या होता है जो दो सेंटेंस या दो प्रोपोजिशन को मिलाता है जो एटॉमिक प्रपोजिशन हमने पढ़े थे तो उसको मिलाने के लिए दो या तीन इसको मिलाने के लिए जो दरमियान में लगता है दैट्स कॉल्ड लॉजिक ऑपरेटर ठीक या कनेक्ट यूज इसलिए दे कनेक्ट टू प्रोपोजिशंस

एंड फोर्थ फिफ्थ इम्प्लीकेशन या हम इसको सो yeah, okay. so, हम इसको डिटेल से एक एक को पढ़ते हैं आगे और इसके साथ साथ हम ट्रूथ टेबल को भी uh, देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या होता है ट्रूथ टेबल स्पेसिफाइज दूथ वेल्यू ऑफ ए कंपाउंड प्रोपोजिशन हम जब हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन होता है तो क्योंकि पहले एटॉमिक प्रपोजिशन था तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू ट्रू या फाल्स आता था अब जब एक से ज्यादा का एटॉमिक प्रपोजिशन को हम मिलाते हैं तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट या कंक्लूजन होता है उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है फर्स्ट का फर्स्ट uh, सेंटेंस जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है उसका वैल्यू ट्रू है सेकंड का फॉल्स है तो इसका कंबाइन आउटपुट क्या होगा कंबाइंड कंक्लूजन क्या होगा तो इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है ठीक है फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स हम उसको इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन कंस्टिट्यूंटीचुएंट मींस जूजो जस्ट लाइक इफ अ कंपाउंड सर्टेन में है प्रोपोजिशन uh, uh, like uh, uh, अगर उसमें दो हैं तो हम इसका दो कर लेते हैं अगर तीन प्रोपोजिशन है कंपाउंड प्रोपोजिशन फिर हम तीन का करते हैं ठीक है थीके? तो हर एक का अलग अलग इसको मालूम करना पड़ता है और फाइनल कंक्लूजन फिर निकालना होता है ठीक है इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं डिटेल से सो so, हमारे पास जो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है वह है नेगेशन या नॉट ठीक है डिफिनेशन देखते हैं जो बुक में दिया गया है कि इसको उसने किस तरह डिफाइन किया हुआ है इसको थोड़ा गौर से समझे लेट पी बी ए प्रोपोजिशन फर्ज करा हमारे पास एक प्रपोजिशन है जिसका नाम पी है द नेगेशन ऑफ पी तो उसका जो नेगेशन होता है यानी नाट डिनोटेड बाई नाट पी या उसको पी इसके ऊपर नेगेटिव साइन लिखते हैं इज द स्टेटमेंट तो इस स्टेटमेंट का जो नेगेटिव हम लिखते हैं या नॉट पी इसका मतलब होता है इट्स नॉट द केस दैट पी तो ये उसके उल्टा होता है यानी हिलाफ होता है द प्रोपोजिशन नॉट पी इज रीड नॉट पी ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको हम इस तरह पढ़ते हैं नॉट पी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन पी एंड नॉट पी इज द अपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी ठीक है जो पी होता है तो उसका जो अपोजिट होता है that's called negation. ठीक है और इस ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये एक ही लेता है या एक ही प्रोपोजिशन लेता है जिस तरह पी है तो एक का सिंगल एटामिक प्रोपोजिशन है तो इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं ठीक है और इसका ये जो सिंबल है नॉट इससे हम इसको डुड़ डुड़ जा, जा, जाहिर करते हैं इसके अलावा सम अदर नोटेशन जो आपको इस नाट या जो नेगेशन है उसको ज़ाहिर करने में बार मुख्तलिफ जगहों पर मिलेंगे तो उसमें यह टिल्डा है जो फर्स्ट है इसके बाद नाट जो नेगेटिव साइन है या पी प्राइम है या एन पी जो नाट पी का मतलब है या जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है नाट पी तो ये सारे सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक तो इसमें कंफ्यूज ना हो जो भी सिंबल आएगा गया तो इट मींस इट्स नॉट या निगेशन और इसका जो सर्कट होते हैं हम हर ऑपरेटर का सर्कट एक बनाते हैं जो हमें सर्कट डिजाइनिंग में जो हमें इसको फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होते हैं तो इसका जो लॉजिकल सर्कट होता है या ट्राइंगल होता है उसके आगे वाले रो पर आ, हल्का सा सर्कल होता है सो so, वो आप सिर्फ इस सरक, इसकी जो निशान है सिंबल है इसको याद रखे आगे हम इसको यूज करेंगे फॉर सर्कट डिजाइनिंग ठीक अच्छा इसका ट्रूथ टेबल जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है अगर हमारे पास पी है एक कंपाउंड प्रोपोजिशन पी है हमारे पास और इसके साथ हम ऑपरेटर लगाते हैं not पी तो पी की वैल्यू अगर ट्रू है क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो इसमें एटॉमिक प्रपोजिशन ही लगाना पड़ता है ठीक है इसमें कंपाउंड नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक ही प्रपोजिशन ये एज ए इनपुट लेते हैं सो तो अगर पी की वैल्यू ट्रू होगी तो नॉट पी फाल्स होगी अगर पी ट्रू होगी तो इसका जो उल्टा है नॉट पी इट्स ट्रू तो ये आ, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसमें Uh, देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल फर्क करा हमारे पास एक सेंटेंस uh, है तो उसका आपने नेगेशन uh, मालूम करना है फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रपोजिशन अब ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है अहमद पी सी लिनक्स। ठीक ये एक प्रपोजिशन है और इसका आपने नाट यानी नेगेशन मालूम करना है किस तरह फाइंड करेंगे पहले हम इसको सिंबल से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा लंबा सेंटेंस हम नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम पी क्यों आर जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इसको हम इंग्लिश लेटर से जाहिर करते हैं ठीक है सो लेट्स इस पी तो इसका जो नेगेटिव होगा नॉट नेगेशन वो नॉट पी होगा तो नॉट पी को हम किस तरह जो नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंस होते इट्स नॉट द केस ये उसका उल्टा हो गया अहमद पी सी रन या इसको हम शार्ट किस तरह लिख सकते हैं इस सेंटेंस अहमद पी सी डज नॉट रन लिनक्स तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसमें कोई भी आप सेंटेंस लिखते लेकिन उसका मीनिंग उल्टा हो ठीक है तो कोई भी आप आगे पीछे जो इसके ग्रामेटिकल हैं वो आप लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है बट उसका मीनिंग पी जो हमने लिया है उसका यानी अहमद का PC जो है सिस्टम लिनक्स चला सकता है ठीक है अगर इसके उल्टा क्या है कि वो नहीं चलता है उस पर सो नेगेशन ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फर्ज कर हमारे पास क्यों है और वह इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये प्रोपोज़िशन है तो इसका नेगेशन क्या होगा सिंपल नाट लगा दे उसमें इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये उसका सिंबल है सर्कट अगर हम इसको इनपुट पी देते हैं तो आउटपुट क्या होगा नॉट पी सो सेकेंड जो ऑपरेटर है वो कंजंक्शन है या एंड ऑपरेटर है हमारे पास ठीक तो इसका डिफिनीशन लेट पी एंड क्यू अब देखिए इसमें हमारे पास दो प्रपोजिशन है यानी एटॉमिक प्रपोजिशन इसको हम मिलाते हैं आपस में ठीक है द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यों डिनोटेड बाय पी एंड ये जो सिंबल है इसको हम एंड पढ़ते हैं क्यों इज द प्रपोजिशन पी एंड क्यू तो ये जो कंजंक्शन है P is true when both P and Q are true and is false otherwise. अगर दोनों एटॉमिक प्रपोजिशन ट्रू हैं तो इसका कंक्लूजन जो होगा वो ट्रू होगा अदरवाइज तमाम केसों में फॉल्स होगा तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है यानी उस ये दो अब इनपुट लेती हैं पी एंड क्यों सिंबल उसका एंड है इसको हम एंड अच्छा इंग्लिश वर्ड जब हम सेंटेंस जिस लेते हैं इसके एग्जाम्पल में तो एंड होगा और कुछ केस में बट भी होता है ठीक है तो इसका मतलब होता है एंड यह सिंबल है उसका लॉजिकल सर्किट का फॉर एंड ठीक है दो इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट और ये इसका ट्रूथ टेबल है पी एंड क्यों अगर दोनों ट्रो हो जो ग्रीन है टी तो उसका आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा अदरवाइज जो है फॉल्स है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो फिर भी एग्जाम्पल तो है तो है। लेते हैं प्रोपोजिशन अब ये हमें एक प्रोपोजिशन दिया गया है स्कोर्स आर रिक्टेंगल एंड ठीक है अब देखिए इसमें एंड आ गया सेंटर में जो हमने पढ़ा था कि इसमें हम एंड या बट आ सकता है कि जो स्क्वायर होता है उस रिक्टेंगल्स होते हैं ठीक और रिक्टेंगल क्या होता है इसके फोर साइड होते हैं अब इसको हम किस तरह ये हमारे पास एक स्क्वायर है स्क्वायर मींस के इसके चारों तरफ बराबर हो और रिक्टेंगल ये होता है कि इसमें दो एक तरह के होते हैं दो दूसरी तरह के होते हैं अब ये जो उन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ है ये जो एग्जाम्पल है वो कहते हैं स्क्वेयर आर रिक्टेंगल एंड रिक्टेंगल है rectangle जो स्क्वेयर होता है वो भी रिक्टेंगल होता है और इसके फोर साइड होते हैं अब इसका जो हम लेते हैं फर्स्ट ये जो स्क्वेयर आर रिक्टेंगल ये एक प्रपोजिशन है और रिक्टेंगल हैव फोर साइड ये दूसरा प्रपोजिशन है ठीक है और एंड क्या है हमारे पास कंजंक्शन है ये लॉजिकल ऑपरेटर है तो फर्स्ट सेंटेंस को हम पी से डिनोट करते हैं सेकेंड को हम क्यों से तो और जो एंड है उस संबल को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है, है तो पी के वैल्यू अगर ट्रू है और क्यों भी ट्रू गए तो रिजल्ट क्या होगा पी एंड क्यू इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू सेकेंड एग्जाम्पल देखे फाइंड द कंजंक्शन ऑफ द प्रपोजिशन अब इसका कंजंक्शन मालूम करना है इस प्रपोजिशन ट्वेंटी इज डिविजेबल बाई फोर एंड फोर इज अ प्राइम नंबर अब इसको दो सेंटेंस हो गए फर्स्ट पार्ट क्या है पी ट्वेंटी इज डिविजेबल बाई फोर सेकेंड क्या है फोर इज अ प्राइम नंबर अब इसको दोनों को चेक करें फर्स्ट वन तो ट्रो है 20 को 4 पर डिवाइड करें तो 5 आता है बट 4 इज ए प्राइम नंबर दैट्स नॉट ट्रू ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है 2 into 2 इज इक्वल टू 4 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि p एंड q फर्स्ट वन इज ट्रू द सेकंड पार्ट

कुछ मौकों पर आता है सब में नहीं आता ज्यादातर एंड ही आता है ठीक और ये उसका सर्कट है P एंड Q इज इनपुट और इसका जो आउटपुट है, P एंड Q. तो इज ट्रू और Q फॉल्स ये ट्रू एंड फॉल्स इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स नेक्स्ट uh, हमारे पास दिस जंक्शन है या आर ऑपरेटर सो लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशन द डिस्जंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाई पी आर क्यू इसको हम इसी तरह ही पढ़ते हैं पी आर क्यों पी आर क्यू इज क्यों पी एंड क्यू आर फॉल्स ये देखिए जो एंड ऑपरेटर था उसका कंप्लीट उल्टा है उसमें सिर्फ अगर दोनों ट्रू होते थे तो ट्रू था अदरवाइज फाल्स इसमें क्या है अगर दोनों फॉल्स है तब जाके फॉल्स होगा अदरवाइज ट्रू होगा ठीक है ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है और इसका सिंबल जो है ये आ, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर लें अच्छा इस आर को हम इनक्लूजिव आर भी बोलते हैं दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो एक्सक्लूसिव आर था तो ये जो सिंपल आर है आ, वी कैन आल्सो से इट इनक्लूज आर अच्छा इनका सर्किट जो होता है वो स्टेट होता था ये थोड़ा सा बेज़वी टाइप का होता है और जिस तरह तीर का निशान होता है इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे तो इसको रिकग्नाइज करके आपने सर्कट बनाना होता है आगे अच्छा इसका जो ट्रूथ टेबल थे अब देखिए एंड में हमारे पास एक टी होता था फर्स्ट वाला ट्रू होता था पी एन आर एंड क्यू में अब पी आर क्यू इसमें तीन जो रिजल्ट है पी एंड क्यों ओ ट्रू आते ओनली द लास्ट केस जिसमें पी भी फॉल्स होगा और क्यों भी फॉल्स होगा तब जाके पी आर क्यों का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा किस तरह आइए डिस्जंक्शन uh, का एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास प्रपोजिशन है फाइंड द डिस्जंक्शन ऑफ द प्रपोजिशन स्टूडेंट हैव टेकन कैलकुलस आर स्टेटिस्टिक्स कैन टेक दिस क्लास फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है मैथमेटिक्स का है या डेटा साइंस का है और उसका प्री रिक्रेजेंट है कि आपने कैलकुलस पढ़ा हो या स्टेटिस्टिक्स वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है ठीक तो इसको हम किस तरह देख देखिए इसमें कैलकुलस आर स्टेटिस्टिक अगर एंड होता था तो दोनों लाजमी होते थे अब इसमें दोनों में से एक भी अगर आपने फर्स्ट कैलकुलस और सेकेंड स्टेटिस्टिक्स पी फर्स्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड को क्यों से तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अब देखिए अगर आपने कैलकुलस और स्टेटिस्टिक्स दोनों पढ़े हो फिर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते तो रिजल्ट किया है ट्रू। अगर आपने कैलकुलस पढ़ा हो स्टेटिस्टिक्स ना पढ़ा हो फिर भी आप ज्वाइन कर सकते थर्ड केस अगर आपने स्टेटस्टिक्स पढ़ा हुआ है वो ट्रू है क्यों और पी फ़ाल है कैलकुलस आपने नहीं है फिर भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक लास्ट केस जो है अगर आपने ना कैलकुलस पढ़ा हो और ना स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हो फिर आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते सो दैट्स फॉल्स ठीक आइए देखते सेकेंड एग्जाम्पल को फाइंड द डिजंक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन 20 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 4 आर फोर इज ए प्राइम नंबर अब देखिए लास्ट हमने उसी सेंटेंस को लिया हुआ है जो पिछले हमने लिया था एग्जाम्पल में एंड में तो इधर से हमने सिर्फ आर किया हुआ है तो इसका अब रिजल्ट क्या आएगा ट्वेंटी इज डिविजेबल बाई फोर ये तो ट्रू था सेकेंड हमारे पास फॉल्स था अब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा लास्ट एंड में जो हमने लिया था तो वो फॉल्स आता था तो इसमें ट्रू इसका जो रिजल्ट है uh, पी एंड क्यों अगर हम इनपुट दे दें आर ये सैम्बल सर्कट का जो सैंबल है लॉजिकल गेट इसको लॉजिकल गेट्स कहते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रो आएगा अगर ये सैम्बल है आर का नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूजिव आर लेट पी एंड क्यू बी प्रिपोजिशन बार बार हम इसको दोहराते पी और क्यों अभी तक तो समझ आया होगा तो एक्सक्लूजिव आर ऑफ पी एंड क्यों अच्छा इसका जो सिंबल है वो सर्कल है और प्लस साइंस के अंदर है तो इसको हम एक्सक्लूसिव आर पढ़ते हैं द ये तब ट्रू होगा वेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यों इज ट्रो एंड इज फॉल्स अदरवाइज ठीक अगर P और Q में से एक भी ट्रो होगा तो ट्रो होगा अब देखिए इसमें थोड़ा है अगर दोनों ट्रो है फिर भी वो क्या होगा फॉल्स होगा तो ये बाइनरी ऑपरेटर है सिंबल उसका सर्कल प्लस इज इन एक्सक्लूसिव सेंस द स्टेटमेंट पी आर क्यू मींस पी आर क्यों बट नॉट बोथ देखिए इसमें जो ऑपरेटर uh, है जो लैंग्वेज में है नेचुरल लैंग्वेज में है, वो हम आर ही होता है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है ठीक है वो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा अच्छा सिंबल वही आर वाला है लेकिन इसके साथ जो नीचे है पिछले से में जो इनपुट है इधर एक मजीद एक और निशान लगा होता है लाइन अच्छा इसका ट्रूथ टेबल पी एंड क्यों देखे अगर दोनों ट्रू है पी एंड क्यू फिर ये फॉल्स होगा अगर दोनों फाल्स है फिर भी फॉल्स होगा एग्जाम्पल लेते हैं सो एक्सक्लूसिव आर का एग्जाम्पल है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन ये स्टेटमेंट है या प्रपोजिशन आई विल यूज ऑल माई सेविंग टू ट्रेवल टू यूरप आर बाई एन इलेक्ट्रिक कार इन प्रपोजिशनल लॉजिक तो इसको हम किस तरह जाहिर करते हैं फर्स्ट जो पार्ट है आर से पहले अब देखिए जो सिंपल आर था इनक्लूज उसको भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सक्लूज हाँ सिंबल उसके डिफरेंट हैं क्योंकि उसका मीनिंग डिफरेंट होता है आई विल यूज ऑल माई सेविंग टू ट्रेवल टू यूरप एंड क्यों इज इक्वल टू आई विल यूज ऑल माई सेविंग्स टू बाई एन इलेक्ट्रिक कार अब देखे आपके पास पैसे हैं, फर्श करें किसी के पास मेरे पास दो लाख या पांच लाख रुपया है तो मैं या इससे कार लूंगा या इससे मैं यूरोप जाऊंगा अब ये नहीं हो सकता कि आप दोनों इससे करें जो दोनों ट्रू होते थे तो वो हाँ इससे पॉसिबल नहीं है दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते देख तो इसके सेंटर में क्या लगे एक्सक्लूजिव आर अब इसका देखें ट्रू एंड ट्रू अब आपके पास फर्क का कोई बजट है पांच दस लाख रुपया है तो दस लाख आप एक जगह पर अगर यूरोप पे लगाएंगे तो बचेंगे ही नहीं तो दोनों अगर ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट है वो फाल्स आएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अच्छा दोनों में से एक हो सकता है तब ट्रू होगा दोनों फाल्स है तो फाल्स क्योंकि आपने हर छीन नहीं की है ना आप यूरोप गए ना आप इलेक्ट्रिक कार गए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फाल्स आ गया ठीक है सेकंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट कैन रजिस्टर इन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब इधर जो आर है ये भी एक्सक्लूसिव आर है क्यों क्योंकि एट ए टाइम जब स्टूडेंट रजिस्टर होगा तो वो या कंप्यूटर साइंस में पढ़ेगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों में एट ए टाइम एक स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हो सकता है या दोनों में एक में रजिस्टर होगा साफ कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या किसी में भी रजिस्ट्रेशन ना होगा तो आखिरी जो कैसे तो ये चार पॉसिबल में से दो ट्रो हो सकते हैं या कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर में ठीक है लॉजिकल सर्किट को अगर हम इनपुट दे दें दे इसको जो लॉजिक गेट है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स अगर दोनों में से एक भी नहीं चूज किया रजिस्टर नहीं हुआ या दोनों में से एक पर हुआ तो ट्रो आएगा नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीकेशन या इफ देन ऑपरेटर अच्छा इसका डिफिनेशन है लेट पी एंड क्यों भी दो हमारे पास प्रोपोजिशन है तो कंडीशनल स्टेटमेंट ये जो इफ देन है इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इज द प्रोपोजिशन इफ पी देन क्यों इसका जो हम पढ़ते हैं कि इफ पी देन क्यों और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ ऑपरेटर है, है? है? है. है और इसका सिंबल ये तो एरो का निशान है इससे हम जाहिर करते हैं पी टू क्यों इफ पी देन क्यों ठीक है इसको हम इस तरह पढ़ते हैं अच्छा इसके अलावा P को जो फर्स्ट है इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं या प्रीमाइज भी कहते हैं और थर्ड इसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं ठीक और जो सेकंड पार्ट होता है क्यों उसको हम कंक्लूजन या कंसिक्वेंस भी कहते हैं अच्छा इसका स्ट्रोथ टेबल देखिए अगर दोनों ट्रू हैं तब ट्रू होगा इसके अलावा अगर फर्स्ट पी ट्रू है तो सेकंड क्यों फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू होगा एग्जांपल देखते हैं आइए एग्जांपल है स्टेटमेंट इफ यू गेट ए ग्रेड देन यू विल गेट ए जॉब अब देखिए एक कंडीशन है इसमें अगर आप ए ग्रेड लेते हैं देन यू विल गेट ए जॉब अब ये इंप्लीकेशन हम किस तरह जाहिर करते हैं फर्स्ट जो है पी इफ यू गेट ए ग्रेड फिर क्या होगा सेकेंड क्यों यू वेल गेट ए जॉब फिर आपको जॉब मिल जाएगा ठीक है अब इसका देखिए जो ट्रू टेबल है उसको थोड़ा गौर से देखे किस तरह होते पी अगर ट्रू हो, कि आपको ए ग्रेड आपने ले लिया क्यों ट्रू है आपको जॉब भी मिल गया जाहिर है तो इसका रिजल्ट ट्रू हो गया अब देखिए सेकंड को अगर आपने एक ग्रेड लिया बट आपने जॉब नहीं मिला फिर क्या है इस इम्प्लीकेशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया ये जो स्टेटमेंट है रिजल्ट इसका रिजल्ट फॉल्स हो क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप ए ग्रेड ले ले तो आपको जॉब मिलेगा अब आपने एक ग्रेड लिया और आपको जॉब नहीं मिला तो फॉल्स हो गया अब तीसरे केस को देखे आपने ग्रेड ए ग्रेड नहीं लिया और आपको जॉब मिल गया ठीक अब इफ यू गेट ए ग्रेड इसने कहा अगर आप ए ग्रेड लेते हैं आपने नहीं लिया और फिर भी आपको जॉब मिल गया तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा इसको समझने में थोड़ा सा ट्रिक है कि फर्स्ट जो कंडीशन है इफ पी मीन्स अगर पी ट्रू हो तब जाके तो इफ अगर ये इधर P हमारे पास फॉल्स है तो फिर इसका रिजल्ट ट्रू क्यों आता है वो इसलिए आता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक है और क्यों जो है इसका नॉट का होता है कि ये ट्रू है थी? तो इसका मतलब है कि आपने P ए ग्रेड नहीं लिया और जॉब मिल गया आपको तो ओवरऑल जो इस सेंटेंस का मकसद है आपका जॉब जो टारगेट है जो कंक्लूजन है वो आपका ट्रू हो गया है ठीक तो मींस, द रिजल्ट या कंक्लूजन इज ट्रू जो लास्ट केस है कि आपने ना ग्रेड लिया और ना आपको जॉब मिला तो ये सेंटेंस फिर भी ट्रू है इसका जो कंक्लूजन है वो इसलिए ट्रू है कि ना आपने एक ग्रेड लिया और ना आपने जॉब लिया तो दोनों फॉल्स है तो डबल फॉल्स जो डबल नेगेटिव आ जाता है तो रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है सो दैट्स कॉल्ड इंप्लिकेशन और लास्ट हमारा है बाईकंडीशनल और इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं ठीक है अच्छा इसमें देखिए बाईकंडीशनल इस, इस uh, जो इम्प्लीकेशन था उसमें सिर्फ फॉरवर्ड था इसमें क्यों भी है जो बैकवर्ड uh, है ठीक है पी इफ एंड ओनली इफ क्यों तो इसमें सिर्फ ओनली इफ है ओनली एंड ओनली तो बाई का कंडीशन मींस के इसमें डबल कंडीशन होते हैं पी इफ एंड ओनली इफ इज अ ट्रू वेन पी एंड क्यों है सेम ट्रूथ वैल्यू अगर दोनों के सेम ट्रू वैल्यू हो तब जाके होगा अदरवाइज ये फॉल्स होगा ठीक ये है ये बाइनरी ऑपरेटर है सिंबल उसका डबल एरो है दोनों साइडों पे और इसका जो ट्रूथ टेबल है ये देखिए अगर दोनों ट्रू हो तब जाके ट्रू होगा अगर दोनों फाल्स हो तब जाके ट्रू होगा अगर दोनों में से एक भी फाल्स हुआ तो दो फाल्स अच्छा इसका एग्जाम्पल देखें स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉजिकल है इफ यू कैन टेक द फ्लाइट यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाई ए टिकट आप तब जाके फ्लाइट में जा सकते हैं अगर आपने टिकट लिया होगा जब तक आपने टिकट ही नहीं लिया तो फ्लाइट में कहां से जा सकते हैं ठीक है ये जहाज का टिकट है अच्छा फर्स्ट जो है प्रोपोजिशन वो है यू कैन टेक द फ्लाइट सेकेंड है क्यू यू बाई द टिकट और ये उसमें बाई कंडीशन हो गया अब देखिए इसकी ट्रूथ टेबल को यू टुक द फ्लाइट यू बाट ए टिकट आपने टिकट भी लिया और फ्लाइट भी हो गया रिजल्ट ट्रू दोनों सेकेंड में आपने यू टुक फ्लाइट यू डिड नॉट बाई ए टिकट आपने टिकट नहीं लिया है तो इस फ्लाइट में तो जा ही नहीं सकते हैं तो ये सेंटेंस क्या है फॉल्स है इसी तरह यू डिड नॉट टेक फ्लाइट आपने फ्लाइट नहीं लिया बट आपने टिकट लिया है फिर भी इसका रिजल्ट क्या है है ओवरऑल जो कंक्लूजन है इसका यू डिड नॉट टेक फ्लाइट आपने फ्लाइट भी नहीं लिया और टिकट भी नहीं लिया फिर तो जाहिर ही है सेंटेंस जो क्या है इसका कंक्लूजन ट्रू है लाइक And share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.